दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास रहेगी क्योंकि हम इसमें बैंजो में लगने वाले इस DD3 की पूरी बटन सेटिंग, इन बटनों के क्या क्या काम होते हैं इसके साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस DD3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे ताकि आपको इसे खरीदने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। निःशुल्क बैंजो और कैसियो कीबोर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों ये है रोलैंड कंपनी का ओरिजिनल बॉस DD3। ये एक्चुअल में गिटार पेडल या गिटार प्रोसेसर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक गिटार में यूज किए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक गिटार में होते हैं ना रिवर्ब इफेक्ट, कोरस इफेक्ट, उसी तरह ये इको इफेक्ट देने के लिए गिटार में यूज किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में इसे बहुत सारे लोग सिंगिंग के लिए भी, कराओके सिंगिंग के लिए भी स्टेज शो पे इस्तेमाल करते हैं। और हम बैंजो प्लेयर इसे बैंजो में इको देने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब इसकी ओरिजिनल पहचान क्या है दोस्तों, इसके पीछे आपको दिखेगा, देखिए मेड इन ताइवान, ठीक है। ये जापान का मॉडल है और ये रोलैंड कंपनी का ओरिजिनल आता है, ये इसकी पहचान है। आप अमेजोन पे इसे खरीद सकते हो। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी अमेजोन की लिंक दी है, आप उस पर जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको ये दो तरह के दिखेंगे, मतलब एक पे लिखा होगा बॉस DD3 और दूसरे पे लिखा होगा रोलैंड DD3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों भी एक ही है, बस कलर का डिफरेंट होता है, उसकी वजह से कीमत कम ज्यादा होती है। और एक बात, इसमें एक डुप्लीकेट वाला भी आता है, वो आपको अमेजोन पे नहीं दिखेगा, उसकी कीमत कुछ 3,500 रुपये होती है। तो आप दुकान से खरीदते वक्त सावधानी बरतिए। तो चलिए अब इसके फंक्शन देखेंगे। तो दोस्तों ये DD3 चलता है बैटरी से, इसके अंदर में कंपनी की तरफ से एक बैटरी दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे बैटरी है, लेकिन ये क्या होता है, लाइव प्रोग्राम में बैटरी कभी कभी डाउन हो सकती है, तो आपको इसके लिए एक 9 वोल्ट का एडाप्टर खरीदना होगा। अब यहाँ पे हमारे एम्पली में ही एडाप्टर का कनेक्शन है, तो ये एडाप्टर की पिन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इस बटन के बारे में हम जानकारी लेंगे, उससे पहले देखेंगे कि हमें जैक कहाँ से कहाँ लगानी है। एक जैक आएगी, ये केबल लगेगा एक बैंजो में, यहाँ पे लग गया उसका, और ये लगा देंगे इनपुट में, यहाँ पे लगेगा आपको लास्ट में। दोस्तों ये डायरेक्ट आउट का क्या उपयोग होता है ये भी हम वीडियो के एंड में बताएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और ये लगने के बाद ये देखिए लाल लाइट जल गई, तो ये चालू हो गया, अभी DD3 चालू हुआ, वीडियो में आपको दिख रहा होगा लाइट लाइट चल रही है। फिर इसके और एक हम जैक लेंगे, वो लगाएंगे आउटपुट में, ठीक है। अब इसका दूसरा सिरा जो है ये हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंजर है इसके माइक वाले हिस्से में लगा देंगे। इसकी बटन सेटिंग देखिए किस तरह की है, इसका जब हमें DD3 पे ये चलाना होगा तो हमें इसका इको और ये डिले टाइम कम करना होगा, दोनों का कम रखना होगा। अगर डबल रखेंगे तो डबल इसका भी DD3 का इको बजेगा और स्ट्रेंजर का भी इको बजेगा, तो डबल इको आ जाएगा, ठीक है। माइक आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और ये बास आधे से थोड़ा ज़्यादा, ये बास ट्रबल का जो कंट्रोल है वो मीडियम में और ट्रबल आधे से थोड़ा कम, ज़्यादा ट्रबल करेंगे तो आवाज़ वाइबल हो जाएगी उसकी। अब इसमें सब केबल कनेक्शन तो लगा दिया हमने, अब ये पहले बटन क्या फंक्शन देखेंगे। ये बटन पे लिखा है मोड, और इस पे दिया है 50 माइक्रोसेकंड, 200 माइक्रोसेकंड, 800 माइक्रोसेकंड और होल्ड। अब इसका क्या उपयोग होता है देखिए, हम अगर इको बढ़ाकर इसको बजाएंगे तो ये अभी 50 माइक्रोसेकंड पे कम इको देगा ये, फिर हम इसको 200 माइक्रोसेकंड पे लेंगे थोड़ा सा इको बढ़ेगा, और ये 800 पे लेंगे तो अभी इको ज्यादा बढ़ रहा है, और ये होल्ड पे रखेंगे तो बंद हो जाएगा, फिर इको बंद हो गया इसका, तो हमें ये रखना है 800 माइक्रोसेकंड पर, ठीक है। इस बटन का हो गया, अब इको की लेवल देखेंगे। ये इको की लेवल पे देखिए यहां इको बंद हो गया, इतना इको रखेंगे तो, और इतना इको रखेंगे तो, और इतना इको रखेंगे तो, और फुल कर देंगे तो,
तो हमें इसकी जो लेवल है ये यहाँ पे रखनी होगी हाफ पे, ठीक है ना, एकदम बराबर बीच में इसको रखना है। अब ये जो फीडबैक है ये क्या होता है देखेंगे, ये फीडबैक यानी जो इको है वो आपको कितनी देर तक चाहिए, कितना लंबा इको चाहिए उसके लिए ये। अभी तो ऐसा बज रहा है, अब यहाँ पे रखेंगे तो, और यहाँ पे करेंगे तो देखिए ज्यादा आवाज गूंज रही है, और इसको यहाँ पे कर देंगे तो और फुल कर देंगे तो कंटिन्यू बजता ही जाएगा। तो इतना नहीं रखना है, इतना भी नहीं रखना है, इसको रखना है आधे से थोड़ा कम। देखिए आधे से थोड़ा कम रख दिया। अब ये देखेंगे डिले टाइम, ये जो डी टाइम लिखा है ना मतलब डिले टाइम, यानी डिले का टाइम क्या होता है वो देखेंगे। अब ये डिले का टाइम ऑफ है, इसको यहां पे रखेंगे, इसको यहां पे रखेंगे हाफ पे, इसको ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे करेंगे, फुल करेंगे तो मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो उपयोग है, जैसे हम बॉल जमीन पे डालते हैं तो वो कभी कभी जोर से उछलता है, उसको जरा धीरे से डालेंगे तो धीरे धीरे उछलता है, उस तरह ये इको को उछालता है, ठीक है। सीधी भाषा में ये इको को कितना देर उछालेगा उसका ये काम होता है। तो इसको हमें रखना है, ज्यादा नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पे। तो इसकी सेटिंग देखिए इस तरह हो गई, ये इको लेवल हाफ पे आएगा, ये फीडबैक हाफ से थोड़ा कम, और डिले टाइम जो है वो यहां तक आएगा। इस तरह की सेटिंग दोस्तों बैंजो के लिए सही है। आप इसको ज्यादा बढ़ाओगे तो हमिंग करेगा ज्यादा, देखिए दिक्कत हो आपको। थोड़ा सा हमिंग करेगा तो इसको आपको यहां पे रखना है और ये यहां पे रखना है। ये सबसे सही सेटिंग है, इसमें हर एक इस्तेमाल करने वाले की अलग अलग राय हो सकती है, हमारे हिसाब से ये सेटिंग सही है। तो थोड़ा अभी बजा के देखेंगे इसे। DD3 होता है, इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो देखिए लाइट बंद हो गई, ये ऑफ हो गया, और ऑन करते वक्त वापस प्रेस करना होगा। अब लाइट चालू हो गई यानी ये ऑन हो गया। अब जो आपको शुरुआत में बताया था हमने कि ये डायरेक्ट आउट का क्या काम होता है, ये अब देखेंगे। इसे देखने के लिए हम लेंगे एक एक्स्ट्रा केबल, ठीक है। अभी इस एक्स्ट्रा केबल को हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल के देखेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको बताते हैं। इससे क्या होता है कि हमने ये जो बटन सेटिंग इसकी इको की है, इससे जो इको आवाज़ तैयार हुआ है वही सिर्फ यहाँ पे आपको एम्पली में सुनाई देगा, बैंजो का ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो आपको पता चलेगा कि आपने इको लेवल कितना किया है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाते, देखिए अब मैं यहाँ पे तार छेड़ता हूँ, देखिए तार छेड़ने के बाद थोड़ी देर बाद आवाज आ रहा है यहाँ पे। तो ये इको हमने इसमें बना लिया है। अब यहाँ से हम पिन निकाल लेंगे तो देखिए बैंजो का और इको का दोनों आवाज एम्पली में जाएगी, है ना। तो ये इसका काम होता है। आप चाहे तो एक यहाँ पे एक जैक लगा दोगे और दूसरी आप दूसरे एम्पली में लगा दोगे, तो एक एम्पली में
ये बेंजो की ओरिजिनल आवाज जाएगी, जहाँ से आप यहाँ से कनेक्ट करोगे वो, और यहाँ से जाएगी वो सिर्फ इको बना हुआ आवाज ही दूसरे एम्पली में जाएगा। तो इसकी तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी के लिए आपको हमने बता दिया था। अब दोस्तों इसे कितना खरीदना ज़रूरी है ये बताते। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो और आप आपके पास ये स्ट्रेंजर C15 जैसा एम्पली है जिसमें कि अच्छा इको है, तो आपको DD3 खरीदने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बस आपके एम्पली में इको अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप मान लो प्रोग्राम करते हो और प्रोग्राम में आपको और अच्छा इको चाहिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। इससे क्या होता है कि जो आपके एम्पली का जो इको है उससे 20 से 25% ही अच्छी आवाज़ आती है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसे लेना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की DD3 की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।